पे पहुंच गए आपने बहुत जल्दी, सबसे जल्दी जवाब दिया एंड आप यहाँ पे पहुंच गए. इसका मतलब है आप बड़े शार्प बिजनेसमैन भी हैं. तो कैसे आप, क्योंकि मार्केटिंग में आप कर रहे हैं तो मार्केटिंग का तो ये मतलब है कि आप महंगी से महंगी चीज़ बेच देंगे और जो चीज़ नहीं भी बिकने वाली होगी उसको भी आप सेल कर रहे हैं ना. ये तो आपकी स्किल में शामिल होगा ना, मार्केटिंग में स्ट्रैटेजीज होती हैं. अगर आप उसको MBA के लिए या वैसे आप पढ़ रहे हैं बिजनेस के लिए, हाउ टू सेल, तो आप कैसे कन्विंस करते हैं, क्या शुरू से आप में ये क्वालिटी है या एक्वायर्ड है, ओवर टाइम आपने देखा है? नहीं, ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरे अंदर किसी भी चीज़ को बेचना, तो किसी भी चीज़ को बेच देंगे आप? जी मैं तो बेच देता हूं. तो क्या परसेंटेज ऑफ सच और झूठ कितना होता है उसमें, आपके आपकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें? आप 75% उसमें झूठ होता है, सच है, और 25 ऐसे ही जरा थोड़ा सा घुमा फिरा के अच्छा लग रहा है. आप पे तो इतना अच्छा लग रहा है, लग रही है, आपने मिसाल दे दी उसी पे उसने उतार दिया ना. नहीं मैं नहीं लेना चाहती. अच्छा नहीं मैं आपको बताऊं ना कि ये बहुत मतलब थोड़ी सी तारीफ जरूरी होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, है ना. ये तो ये हमेशा बड़ी दूर तक जाती है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें ये कि जो रियल लाइफ में आपकी रिलेशनशिप्स है उनमें कितनी आप ये जो आपकी एक टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई फर्क पड़ता है? बिकॉज़ जो आप पढ़ रहे होते हैं जैसे टीचर है या कोई किसी को डॉक्टर है, तो मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि भाई आपका ये जो आप अगर उस्तानी है तो रोप शोप आपका है घर में? बिल्कुल रोप है. तो कैसे आपका क्या है, आपकी क्या मार्केटिंग टूल्स चलते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनल, आपकी फैमिली या रिलेशनशिप्स में? अब देखते हैं कि 150,000 का ये सवाल है, देखते हैं कि आप कि दोस्त ने आपका साथ दिया या आपको मामू बनाया. फ्रेंच आपने ऑप्शन ली है, फ्रेंच की बताइए हमें सही जवाब क्या है. राइट आंसर, इट्स द राइट आंसर, फ्रेंच पे सबसे पहले